नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज को आधुनिकीकरण करते हुए ट्रूनेट मशीन की सुविधा से लैस किया गया है। मशीन के लग जाने से स्वास्थ्य केंद्र पर टेस्टिंग की सुविधा बढ़ गई है। इसके पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज द्वारा टेस्टिंग करवाने के लिए मंडलीय जिला चिकित्सालय मरीजों को रेफर करना पड़ता था। ट्रूनेट मशीन लग जाने से मरीजों को अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक महाराजगंज प्रवीण कुमार चौधरी ने कहा कि इस मशीन के द्वारा भविष्य में लगभग 25 प्रकार की बीमारियों का टेस्ट किया जा सकेगा। वर्तमान में टीबी जैसी बीमारियों का टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए अब लोगों को आजमगढ़ जाने की जरूरत नहीं होगी। एक अभियान के तहत 6 महीने के भीतर 50,000 लोगों के टेस्ट की मुहिम मेडिकल की बीस्ट में बनाकर की जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में और कई प्रकार की टेस्टिंग करने के लिए मशीन में सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, जिससे लोगों को और सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी। सुनवाते हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार चौधरी की बात। महाराजगंज सीएससी पे ट्रूनेट की मशीन लगवाई गई है, तो इसका स्कोप कहाँ कहाँ है और क्या क्या इसके लिए गाइडलाइन दी गई है? देखिए, जो ट्रूनेट मशीन है, इसमें जो क्षय रोग होता है, टीबी जिसको कहते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों के जाँच के लिए मशीन जो है महाराजगंज में अभी कल इंस्टॉल हुई है। इसमें जो है टीबी के मरीजों की जांच होगी, प्लस जो टीबी की दवा खाते खाते जिनको टीबी की दवा असर नहीं करती है, उसमें जिसे रिफेम्सिन रेजिस्टेंस जो बोलते हैं और आइसोनियाजिड रेजिस्टेंस जो होता है, एमडीआर जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो होता है, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो मरीज होते हैं जो टीबी के ऊपर होते हैं, तो उनकी भी जाँच जो है इस ट्रूनेट से पता चल जाएगा। पहले इसकी जाँच के लिए हमको मरीज को जिला अस्पताल भेजना पड़ता था टीबी क्लिनिक पर। चूँकि मशीन सरकार के द्वारा मशीन यहीं अब लगा दी गई है महाराजगंज सीएससी पे, तो अब जो भी मरीज जो यहाँ के नियरेस्ट जो भी मरीज रहेंगे उनकी जांच यहीं पर हो जाएगी, उनको भटकना नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये कहूँगा कि अभी सरकार के द्वारा और स्वास्थ्य जो है 1 तारीख से एक टीबी खोजी अभियान ACF प्रोग्राम जो कहते हैं वो चल रहा है। वो उस प्रोग्राम के तहत हमको 50,000 की जो जनसंख्या है महाराजगंज में उसको हमको कवर करना है। उसमें अस्पताल में 20 टीमें बनाई गई हैं जो एरिया वाइज क्षेत्र वाइज जो है वो मरीजों को खोज के यहाँ पे बलगम की जांच यहाँ पे उनकी करवाएंगी। तो अभी तक जो है 12 लोगों की जांच जो है यहाँ पे बलगम की हुई है, जिसमें 2 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, प्लस 1 मरीज जो है ट्रूनेट से भी पॉजिटिव आया है, टीबी का मरीज। इसे ये सर ट्रूनेट से सिर्फ टीबी की ही जांच होगी या भविष्य में कुछ और इसका स्कोप बढ़ाया जाएगा? देखिए, ट्रूनेट से 24-25 बीमारियों की जांच होती है। चूँकि यहाँ पर जो मशीन इंस्टॉल हुई है उसमें सॉफ्टवेयर जो है अभी टीबी का ही इंस्टॉल किया गया है। अगर भविष्य में जो है और भी सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल हो जाता है तो ट्रूनेट से और भी जो 25 बीमारियां हैं, जैसे कि आपका कोरोना भी है, आपका चिकनगुनिया है, और भी संबंधित सारी बीमारियों की जांच यहाँ पे हो जाएगी। तो